मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, अल्लाह ने 12 रास्ते बना दिए। वो 12 कबीले थे, वो गुजरते हुए सारे इधर आगे और आगे फिर चले गए। और फिरौन ने जब देखा, पहले तो वो सोचता था कि तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर इस वक्त सऊदी अरब और मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद हैं, और ये बहुत खूबसूरत मंज़र है और एक अजीब तारीख जो है ना कुरान मजीद की यहाँ से वाबस्ता है। वो सामने जो पहाड़ है वो मिस्र के हैं, जहाँ एक ज़माने में फ़िरौन की हुकूमत थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को, अपनी कौम को, बनी इसराइल को लेके यहाँ से निकले हैं। तो रास्ते से हट के ऐसी जगह पहुँच गए कि आगे समंदर था और उधर पीछे से फ़िरौन की जो है ना लश्कर भी आ गया, फ़िरौन भी आ गया। तो बनी इसराइल के लोग इंतहाई परेशान हो गए, कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, हम तो तबाह हो गए, फंस गए, बुरी तरह फंस गए, सैंडविच बन जाएंगे, आगे समंदर है और पीछे फ़िरौन का लश्कर है, फ़िरौन का समंदर है लश्कर का, तो हमारा क्या बनेगा। जैसे ही ये बात उन्होंने कही तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यकीन भरी आवाज़ बुलंद हुई, कल्ला, हरगिज़ नहीं, इन्ना मअ रब्बी सयहदीन, मेरा परवरदिगार मेरी मदद करेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया, फ़ज़रिब बिअसाकल बहर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी, हुक्म आया इस लाठी को समंदर के ऊपर मारो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर में 12 रास्ते बना दिए, जो कौम आसानी के साथ गुजर के फिर यहाँ आ गई। ये एक रास्ता ही सामने आ रहा है, अभी हम इंशाल्लाह इसमें अंदर जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो यहाँ से फिर ये लोग आगे गुजर गए, तो पूरी कौम यहाँ आई। अगर यकीन और तवक्कुल की बात देखनी हो तो इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी, अकल से पूछो, अकल कहेगी पानी पे हम लाठी मारने से क्या होगा, लाठी टूट गई, गिर गई, तो अकेली लाठी है, मारनी है तो फ़िरौन के सर पे मारो ताकि वो ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म हो। लेकिन यकीन की आवाज़ क्या थी कि गैब की खबर के ऊपर यकीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, अल्लाह ने 12 रास्ते बना दिए। वो 12 कबीले थे, वो गुजरते हुए सारे इधर आगे और आगे फिर चले गए। और फ़िरौन ने जब देखा, पहले तो वो सोचता था कि ना जाऊँ, लेकिन बहरहाल वो आगे बढ़ा, और आगे जब बढ़ा है तो इसी समंदर के में वो गर्क हो गया अपनी कौम के साथ, और अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया, और अल्लाह ने ईमान वालों की मदद फरमाई। ईमान वाले यकीन के साथ अमल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा मदद फरमाते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत मकाम है ये, इधर दरख्त भी हैं और दिल बहुत खुश भी है। अल्लाह ताला हमें भी जो है हमारे यकीन की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए। जज़ाकअल्लाह।